खूंखार डकैत मलखान सिंह हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आपको बताते चले, मलखान सिंह 1982 में आत्मसमर्पण करने से पहले दो दशकों तक मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में एक खूंखार डकैत के रूप में माने जाते थे। कांग्रेस में शामिल होते समय अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए मलखान सिंह ने पत्रकारों से कहा कि वे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर वो प्रयास कर रही है जो उसे सत्ता में वापस ला सके। कांग्रेस दूसरे दलों के प्रभावी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है, हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर संभल कर आगे बढ़ रही है और आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को भी तत्परता से उठा रही है। कांग्रेस में इस समय ऐसे लोग भी शामिल किए जा रहे हैं जो किसी क्षेत्र या समाज के वर्ग पर कुछ प्रभाव रखते हैं। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करते समय कांग्रेस उनका इतिहास नहीं देख रही है। बुधवार को जब कांग्रेस ने पूर्व डकैत मलखान सिंह को पार्टी में शामिल किया तो कई सवाल उठे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल नवम्बर दिसम्बर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व डकैत मलखान सिंह ने कहा कि पार्टी जहां जहां में प्रचार की जिम्मेदारी देगी वहां जनता को कांग्रेस को जिताना ही पड़ेगा। फिलहाल आपको बताते चले कि पूर्व खूंखार डकैत मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं जिससे भाजपाइयों में खलबली मची हुई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।